What's up guys? आज हम देखने वाले फुकरा इंसान reacting to his big boss fights. वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग देखते हैं, खुद की फाइट देख के क्या फेस में एक्सप्रेशन आते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको नहीं पता ना कि कैमरे आपको कैसे दिखा रहे हैं या क्या सारे एंगल आपको पता भी नहीं होते किसने क्या बोला है. कैमरा तो उसी जगह होता है ना, लोग इधर उधर कोने में भी खुश खुश कर रहे होते हैं. फुकरा इंसान ओपी हो जाए, पांडा गैंग ओपी. करते हैं शुरू. डिस्क्रिप्शन में चैनल है तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक. 1 2 3 गो. Hi guys, so you watch the video, welcome back to our channel and finally after so long, मैं हूँ इस स्टूडियो में और मैं एक नई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. Obviously वीडियोस बहुत सारी आई है, दो महीने में इतनी सारी वीडियोस मैंने डाली है, बट वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस थी. और आज मैं जब ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं तुम्हारे को बता दूँ, तुम्हारा भाई मतलब मैं अपनी बात करूँ, तुम लोगों ने मुझे जो प्यार दिया यार, मतलब ये देखो मैं उठ के तुम्हें ऐसे देखो, ऐसे ऐसे गो डाउन करके कह रहा हूँ आई लव यू गाइस. जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, मतलब मेरी औकात से बहुत ज्यादा प्यार दिया. मैंने हमेशा ये बात बोली आई लव यू. जिस क्रिएटर ने मुझे सपोर्ट करा, बहुत कम लोगों ने करा, पर जिन्होंने भी करा, आई स्वेयर यहां से प्यार है तुम लोगों को. जिन फैंस, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, फैमिली, जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट करा, जिन्होंने एक भी वोट करा, आई लव यू गाइस, दिल से बहुत ज्यादा प्यार. बट नाउ वी आर बैक. हम बिग बॉस के घर से आ रहे हैं और बिग बॉस में हमारी बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं और उन्हीं लड़ाइयों को आज मैं देखने वाला हूं और मैं एक्चुअली उन पे रिएक्ट करने वाला हूं, क्योंकि मेरे को सच में नहीं पता, मतलब मेरे को लगता नहीं किस तरीके से बात, बट जब लड़ाई हुई है तो आओ देखते हैं क्या क्या हुआ है. लेट्स गो. तेरे में सच्चाई आई है, तेरे से बेसबॉल लाता है मुझे, पैड में भोक मत, दूसरे से कंटेंट. तू क्या बोलेगी? अबे जा खड़ा हूं ना, 36 पुश्ते लग जाएगी तेरे को मैं पहुंचने में, समझी? और अभिषेक भाई, मैं जेन्युइन बताओ, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बेबिका बहुत करेक्टर में थी अपने बिग बॉस घर में. शी वाज लाइक कि उसे विलन बनना ही है, उसने हमेशा ये बात बोली है कि नहीं, आई वांट टू बी द विलन ऑफ द हाउस. तो ऑब्वियसली शी वाज द विलन ऑफ द हाउस, बट बाहर आके शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, अंदर उसने बहुत ज्यादा विलन आर्क अपना प्ले करा है. बट आई लव द वे आलिया एंड आकांक्षा सपोर्ट कर रही थी मुझे डे वन पे भी और एंड डे पे भी, लाइक यस अभिषेक, बट आई एम नॉट लाइकिंग दिस जो मैं लड़ रहा हूं. चले भागते अप्रोच लगा के पहुंचे खुद. पूजा जी की पीछे से वो गाइडेंस चल रही है, सब पता है किसकी अप्रोच है भाई. मेरी नस पैसे देके तो कराना ही मत इससे फेस रीडिंग भाई, गलत ही होगा. मेरी फेस रीडिंग करेगी जनता, सिर्फ उनके पास है. जनता ने तो कर दी फेस रीडिंग. आई स्वेयर आई हैव नेवर सीन फुकरा इंसान सो एंग्री इन हिज लाइफ. मैं एक्चुअली गुस्सा नहीं होता यार, पता नहीं वहां पर ना वो घर में माहौल ऐसा बन जाता है कि एक्चुअली तुम्हारे मन के अंदर की छोटी प्यास होती है ना, तुम्हारे को लगता है कि भाई फट जाऊं अभी मैं. इट्स नॉट इजी इन द बिग बॉस हाउस, आई स्वेयर. मतलब आफ्टर तुम्हें जो फैंस, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स मिलते हैं, दैट इज वेरी लवली, बट इनसाइड इट्स टॉर्चर. तू अपने काम से काम रख. यही बोला था ना गेम से पहले कि सारा माल उठा के एक जगह डालना है, यही बात तू ना सारा उठा के एक एक डाल रहा है. तो मेरे को एक एक डालना है संचालक, मैं भी वही खेल रहा हूँ. भाई साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा गला ही फटने वाला है. अविनाश और मेरी काफी लड़ाइयां हुई है, ऑब्वियसली वी हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, और मारा की भी मेरी उनसे बात हुई है, बट मैन मुझे लग रहा है फटने वाला इंसान. घर जा साले, 37 साल की उम्र मेरी गेम से दिमाग चलते यार. मेरी भी होगी गलती, इससे ज्यादा चले नहीं रहेगा. 26 साल अपने आप को देख लोगों के इससे ज्यादा दिमाग ये क्या है, जिसके उम्र का तेरे से ज्यादा दिमाग क्या कर रहे हैं, तेरे से ज्यादा यक्कल होगी, ये गधे की तरह डबर ये मत कर जाके कर. 26 का रहेगा बाहर मिल गया ना, क्या है अपने काम मेरे को बताएगा भोकने वाले. अरे भाई तू है, अपने काम मेरे को मत बता भाई. जिस हिसाब से तू खेला मैंने खेलना चालू कर दो तेरी फट गई. काहे की फट गई? नहीं फटी. अबे तेरे को प्रॉब्लम है मेरी गेम से. मैं तो जो तू कर रहा हूं कर रहा हूं. मैं तो टास्क में तेरे को प्रॉब्लम है मेरी गेम से. यहां कम नहीं लगा जिया के टास्क में तेरे को मेरी गेम से प्रॉब्लम. एल्विस के टास्क में तेरे को मेरी गेम से
हर संडे यही घर जाएगा ना तो पूछ लेना अपने घर वालों से, बोला जाता है समझा, तू अपने घर वालों से पूछियो, मैं अकेला रहता हूं, क्या कर रहा है, कभी ऐसा है तेरा खराब है अभी तेरा खराब है और 26 36 साल में साले उतना मैं दिमाग लेके घूम रहा 4 साल में बालक बुद्धि कर ये लेके घूम रहा हूँ चल चलो भाई साहब देखो मैं जेन्युइन बता रहा हूँ जब मैं बोल रहा था 36 इयर्स आई वाज नॉट ट्राइंग टू डिसरिस्पेक्ट हिज एज आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से 16 साल का जब मैं था तब भी तेरे से ज्यादा अकल थी जब जो एज तुम्हें अभी है मतलब वो कहते हैं एक दो बार चीजें बोली जाए तो वो सही लगती है बट बार बार वही चीजें बोली जाए तो वो चीजें बुरी लगने लग जाती है एंड वही हुआ ठीक है यार जो बिग बॉस के घर में हो बिग बॉस के घर में हो बट मैं ये देख रहा हूँ कि भाई मुझे लगता था कि मैं बहुत ही शांत बालक हूँ बट जब गुस्से में आता हूँ अंदर तो बहुत गुस्सा है ओ भाई साहब ए 26 ही है जब मैं बोलता 36 ही है तो लोगों को बुरा लग जाता है बट यू नो अविनाश से इतना प्यारे अविनाश का भी बर्थडे भी है 22 अगस्त को ये वीडियो मुझे नहीं पता कब आएगी बट जब भी आएगी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू अविनाश और अविनाश भाई ने अपना जो बर्थडे कार्ड बनाया उसमें भी उन्होंने ये लिखा लीविंग माय 36 बिहाइंड माय मोस्ट फेमस एज लेकिन माय मोस्ट फेमस एज लिखा बट ऐसा लिखा लीविंग माय 36 बिहाइंड एंड गोइंग टू 37 तो आई मेड अविनाश 36 ईयर ओल्ड वेरी फेमस 36 साल हमेशा याद रहेगा अविनाश भाई को अपनी एज का तो गरम हो गया था अभी साला वाला सब निकल रहा है क्यों लड़कियों को निकाल ले पे गाली दे देखो पुश्तों वाली बातें कहाँ से आ जाती है मैं तो जैन बता रहा हूँ ये सारी चीजें ना एक्चुअली गुस्से में निकलती है मैं किसी को उम्मीद नहीं कर रहा अब मैं देख रहा हूँ ना तो मुझे सकता है यार मैं क्यों लड़ रहा था छोड़ डाल लड़के क्या ही करना बट वो घर में ऐसी वाइब बन जाती है इतनी नेगेटिव और लाइक वाइब्स आ रही होती है तो तुम्हारा मन करता है कि भाई ये मेरे से क्यों लड़ रहा है बट अविनाश भाई और बेबी का तो बहुत लड़ाई हुई है मेरी अब जैसे ये वाला टास्क था बास्केट वाला भाई इसमें मेरे को बहुत लगी बहुत चोट लगी इसके बाद में बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था कि मैंने इसको फिर से 36 साल वाली बात बोल दी थी मैंने घर आके रियलाइज करा कि इसने बोला कि जैट पुश कर रहा था बट जैट तो पुश कर ही रहा था ये भी पुश कर रहा था इसी गलती थी वहां पर आई डोंट केयर आई फेल ऑफ यू आर फॉलिंग ऑफ फ्रॉम लास्ट 15 मिनट्स आई फेल ऑफ एंड देन यू विल बी लाइक टू बी फेयर इन द गेम Bro, I fell on you. I'm sorry. Oh, you are the one pushing every time. This basket टूट गई थी. You did it. और मैं तुम्हारे को एक बात बताता हूँ. इस टास्क के बाद, I don't know ये चीज़ बाहर आई थी नहीं आई थी. तो मैंने अविनाश से जब मेरी बात हुई थी, तो अविनाश ने मुझे बताया कि जैड को पिछले दिन की फ्रस्ट्रेशन थी और जब वो उठा वो दिन में बहुत फ्रस्ट्रेटेड था और उसने बोली ये बात कि दिस इज द फ्रस्ट्रेशन विद इन हिम जिसके साथ वो ये टास्क खेल रहा था और इसलिए वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव था इस गेम में और इन दोनों की एग्रेसिवनेस मेरे पे बहुत भारी पड़ी और मुझे बहुत चोटें लगी और बिग बॉस ने वो दिखाया नहीं यार सेकंड का फर्स्ट तो आ नहीं जाता साइक वेल यू आर प्लेइंग दैट जस्ट वांट टू टेल यू दैट इवन आई हैव गॉट बट आई हैव नॉट बीन कंप्लेनिंग आई एम सॉरी आई फेल ऑन यू आई सेड सॉरी आई फेल इफ आई पुश देन यू लाइक ओह यू डोंट नो हाउ टू प्ले द गेम चल अभी गेम खेल अभी गेम मैं इंग्लिश में भी लड़ता हूं यार गुस्से में बास्केट टूट गया प्लीज प्लीज हटो वेट प्लीज होल्ड ऑन हिज बास्केट इज ब्रोकन अभिषेक वेट कोई सुन ही नहीं रहा था संचालक की भी पागल तू वो संचालक है भाई हेलो वो जैड को वो बोल रही है कि वेट 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 बट जैड इज लाइक एग्रेसिव ही वांट्स टू प्ले यार यार थोड़ा गो इजी ऑन योरसेल्फ ऐसा है जैड को बोल गो इजी ऑन हिमसेल्फ अगर वो पुश कर यहाँ पर आई नहीं बट मैंने बोला था जैड गो इजी ऑन योरसेल्फ अगर वो अपने साथ इजी जाएगा तो मैं उसके साथ इजी जाऊंगा क्योंकि अगर मैं गुस्से में आ गया और मैंने पुश करा तो रोता रोता लेबनन पहुंच जाएगा मैम जैसा वो खेल रहा है ना प्लीज डोंट इंटरफेयर प्लीज
प्लीज डोंट प्लीज प्लीज मैं बड़ा गुस्से में था यहाँ पर ना अगर ये इतना पुश कर रहा है मेरा गलती से धक्का लग जाए तो रोता है सही बात है यार पूजा जी आ गई थी क्या रोता रोता लेबनान पहुंचेगा मैं डोंट इंटरफेयर लेट मी क्लियर इट हार्ट बीट फास्ट हो रही है अपनी लड़ाई देख देख के अरे मैं बाहर मिला था बेबी का जी बेटा आपने मेरे दांत तो नहीं तोड़े आपने मुझसे बहुत प्यार से बात करी खाता है सिर्फ आप वो अंडे ही खाते तो भाई बताना वो कैसे सरवाइव करेगा मेरे अंडे खा लेगा समझ कर मेरे अंडे खा लेगा यार इस साउंड को डबल मार अगर तुम टास्क करते यहाँ सपोर्ट प्रेम राशन मिलता अगर तुम्हें नहीं चाहिए मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए बाकी तो है मैं बेसिक वाला हूँ भाई बाकी लोग तो हैं हाँ तो क्या करूँ मैं बाकी का दिमाग सही में कम है घुटनों में उनका इलाज कर भाई सच में समझदारी तो है ही नहीं बिल्कुल जीरो है और भगवान के साथ कल तक बुरा लग रहा था कि एक इंसान लगना ही नहीं चाहिए लगना ही नहीं चाहिए भाई यहाँ है ही नहीं कुछ मुझे तो मत ही बोलना तो नहीं जा रहा यही दुनिया को दिख रहा कौन डफर है दुनिया को दिख रहा है कौन डफर है जी आप बहुत बड़े डफर के साथ डम भी दिख रहे हैं आज okay, okay. और आप जाइए 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 बस जाइए जाइए अभी बाद में चुगली कर लेना जाओ हाँ ठीक है कर लूंगा वो तो ऐसा ओके वो तो ऐसा ये तो मैं सही बोला था भाई अविनाश ने जितनी चुगलियां करी वाह मुझे अभी बता रहा हूँ मैंने इतना ज्यादा बिग बॉस तो नहीं देखा घर आके बट जितना भी बहुत चुगली खोरते थे यार पूछा ची उसने तो ये बात बोली अरे उसने तो वो बात बोली तेज बोलना डरता क्यों है हिलमत इधर बैठ इधर ही इधर बैठ गया जगह है मेरे भाई यहाँ बैठ यहाँ अच्छा इधर बैठ शायद तेरे को मैं थोड़ी बुद्धि दे दूँ खड़े होने की हिम्मत नहीं अब तेरी इधर बैठ इधर बैठ औकात को हर बार जहाँ है ना वहाँ कभी हर बार अविनाश भाई तुम लाए औकात वर्ड मैं कभी नहीं लाया औकात वर्ड इधर आ बैठ भाई इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ तुम्हारी मम्मी तुम्हारे को अक्कल नहीं दे पाई मेरे भाई इधर की इधर बैठो मम्मी ने क्या बोला बैठो मेरे भाई इधर बैठो क्या बोला इधर बैठो इधर बैठो इधर बैठो अबे बहुत बड़े वाला है भाई तू बहुत बड़े वाला है यार तू तुम तो बहुत छोटे वाले हो मेरे भाई तुम्हारे में सब छोटा है मेरे भाई ओ शिट ओ शिट ओ शिट ओ शिट एंड वाला क्या बोल दिया यार अरे यार ओ माय गॉड वहां पर लड़ाई होती है बट एक्चुअली जब मैं ये सारी चीजें देखता हूँ आई फील लाइक कि यार क्यों ही लड़ना है यार बट ठीक है मैं तुम्हारे को जन्म बताता हूँ वहां पर चीजों को कभी कभी लड़के ही सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि सामने वाला नहीं समझता दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो आप बताना आपकी सबसे अच्छी लड़ाई मेरी कौन सी लगी थी हल्का सा दिखाया था ये इतनी ठाली औरत है लाइव चला के बैठ जाती है जब टाइम मिलता है देखा है ठीक है और ऐसे नहीं कि अल्वी शायद तब से लाइव 24 आवर्स वाला मैंने तब इसीलिए देखा था क्योंकि फुकरा था इसके ना यहाँ पे मतलब इसको बहुत उस टास्क में लगी थी बाकी एक चीज थी अभिषेक ने हमेशा टास्क में मुझे सबसे गंदा क्या लगा कि पूजा का फोकस कहीं पर भी नहीं था कि उसको लगे है उसका ना बातों पे था वो भी एक ही चीज गई है नहीं नहीं हाउ कैन ही से वो कौन होता है लेबनान पहुंचाने वाला वो कौन होता है लेबनान वो उस पे बहुत बार उसको रिपीट किया और अविनाश की तो ये आदत थी लड़के फिर पूजा से चुगली करके जैसे उसने मुझे कह दिया फिर वापस अभिषेक से भाई भाई करता था देखो मैंने तो पूरा अच्छे से देखा और भाई आपको कैसे लगी वीडियो जरूर बताना आपकी इनमें से सबसे तेजस्वी फाइट कौन सी लगी एंड में एक दो सैवेज मूवमेंट था भैया बहुत ही गजब गजब थे भाई देखो मजा आया देख के और अब जैसे हम ये वीडियो अभिषेक के साथ देख रहे हैं ना मतलब रिएक्शन उसमें ऐसा लग मल्टीवर्स लग रहा था कि ये फुकरा अलग है अब जैसे ये फुकरा अलग लग रहा है ना कि अच्छा यार मैंने ये बोला उस टाइम पे जब ये लड़ता था ना तो यार इवन अगर एल्विश भी लड़ता था हम भी सही कह रहा है सही कह रहा है अपना लड़का सही कह रहा है ये गलत है मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ लाइक कर दे बाय बाय टेक केयर